वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई अंशु वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ व्हाट इज एमएनएस, हाउ वी कैन ज्वाइन एमएनएस। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस क्या है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कितनी सैलरी मिलती है, इस सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली फ्यूचर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देर के आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज एमएनएस, एमएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है। एमएनएस की फुल फॉर्म होती है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यस, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्स सर्विस, जिसे हम एएफएमएस भी बोलते हैं। जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं वो जानते होंगे कि एएफएमएस कितने फेमस नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, और एएफएमएस में एडमिशन लेना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। सो उन गर्ल्स के लिए, यस, एमएनएस ओनली गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है, यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। सो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एलिजिबिलिटी की हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी तो यही है गाइज कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन यानी गर्ल्स ही एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकती हैं, और ये उन गर्ल्स उन वुमेन के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा एक मौका होता है, और बहुत गर्व की बात होती है कि हमारे देश की जो वुमेन है वो भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं, अपने देश की सेवा कर सकती हैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर्स। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी कंट्री की आर्मी और ज्वाइन करें, वहां पर सर्विस प्रोवाइड करें एज अ नर्स, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको जरूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ जो एलिजिबिलिटी होती है इस फॉर्म को फिल करने की वो है 12th, यानी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 12th पास होनी चाहिए, या अगर आप परसुइंग है मतलब अभी आपका 12th चल रहा है तो भी आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग के जो फॉर्म होते हैं गाइस वो दिसंबर में इसके फॉर्म आते हैं, नवंबर या दिसंबर में हर साल इसके फॉर्म आते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर दिसंबर में फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की मैंने आपको बताया कि परसुइंग है, तो यानी कि अगर आप 12th में हैं और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। सो एज की बात करें तो 16 से 24 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैरिटल स्टेटस। अगर आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, विडो है, डाइवोर्सी है, सिंगल है, कोई भी वुमेन ये फॉर्म फिल कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं आपको इसमें सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जैसे कि मैंने बताया कि दिसंबर में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करना होगा, एंड देन फरवरी या फिर मार्च के मंथ में एमएनएस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, रिटन एंट्रेंस एग्जाम वो होता है। रिटन एंट्रेंस एग्जाम में दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन आपके पास रहता है, यानी हिंदी और इंग्लिश, ये ऑप्शनल है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि एमएनएस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करते हैं इसमें सिलेबस की। सो गाइस, इसमें पीसीबी का सिलेबस रहता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जो भी आपने 11th या 12th में पीसीबी से रिलेटेड स्टडी किया होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके अधिक जानकारी के लिए आप इसमें सर्च कर सकते हैं एमएनएस का सिलेबस, और इसकी बुक्स के लिए आप जो बुक्स पब्लिकेशन होता है वहां से बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, ताकि आप अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा जो 11th 12th की बुक्स होती है उसके अलावा भी आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सके। आप चाहे तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एमएनएस का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। तो
सुपर स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आती है या कॉल लेटर आपको दिया जाता है, इंटरव्यू भी क्लियर अगर आपका हो जाता है देन उसके बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन. यस, मेडिकल फिटनेस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमएनएस सिलेक्शन प्रोसेस, बिकॉज आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो मेडिकल फिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. तो मेडिकल जो एग्जाम होता है इसमें आपका एक्सरे होता है एंड अल्ट्रासाउंड होता है. सो गाइज ये था थ्री स्टेप्स. अगर आप ये थ्री स्टेप्स को क्लियर कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट जो AFMS कॉलेजेस होते हैं उनमें आपका एज अ सिलेक्शन हो जाता है स्टूडेंट एज अ BSc नर्सिंग स्टूडेंट. सो फोर ईयर्स का BSc नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो आप AFMS कॉलेज से करते हैं. तो चार साल BSc नर्सिंग आप AFMS कॉलेज से करने के बाद आपको सर्विस भी फिर वहीं पर मिलती है. सो इसमें बॉन्ड होता है मिनिमम 5 ईयर्स आप इंडियन आर्मी के लिए सर्विस करते हैं, इंडियन आर्मी के लिए सेवा करते हैं और कहीं भी यानी इंडिया में किसी भी स्टेट में किसी भी जगह में किसी भी सिटी में आपका सिलेक्शन हो सकता है. आपका नेवी में भी हो सकता है, आर्मी में भी हो सकता है, एयरफोर्स में भी हो सकता है. तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि आप कहां पर सर्विस करेंगे. AFMS कॉलेज इंडिया में टोटल 6 है. कौन से कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है ये डिपेंड करता है आपकी मेरिट लिस्ट के ऊपर. कहते हैं सैलरी की कि जब आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं अपना BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद तो कितनी सैलरी होती है. सो अराउंड 70,000 पर मंथ इसमें आपको सैलरी दी जाती है जो कि काफी हैंडसम सैलरी मानी जाती है. आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है करियर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी. इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं अपने क्वेश्चन या क्वेरी को. सो गाइज जल्दी से मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.